किसानों पर सितम, बालू माफियाओं पर रहम, यही है हमीरपुर जिला प्रशासन और पुलिस का करम। हमीरपुर में बालू माफियाओं ने नदी को साफ कर दिया और अब किसानों की जमीनों को उजाड़ने में जुटे हैं, लेकिन लाख शिकायतों के बाद भी पुलिस और प्रशासन नाकारेपन की सारी हदें पार करता नजर आ रहा है। एक विधवा महिला द्वारा कई शिकायतें की गई, लेकिन थाने से लेकर एसडीएम कार्यालय से उसे दुत्कार कर भगा दिया गया। क्या यही देखने के लिए प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपी थी? आज हमीरपुर जिले के सत्ताधारियों की शह पर बालू खनन के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले गए हैं। नदियों को प्रतिबंधित भारी मशीनें चलवाकर खाली करवा दिया गया। जब बालू नहीं बची तो दबंग माफियाओं ने किसानों के खेत पर बुलडोजर चलवा कर उसे खोखला कर वहां से मोरम का उठान शुरू कर दिया। पीड़ित महिला ने जब थाने और प्रशासनिक अधिकारियों के चौखट पर अपना मत्था टेका तो कार्रवाई तो दूर, उल्टा माफियाओं के पास ये खबर पहुंच गई, जिसके बाद दबंग माफियाओं ने महिला को धमकी देना शुरू कर दिया। इसके बाद डरी सहमी महिला ने मीडिया कर्मियों से मदद मांगी तो कुछ तथाकथित पत्रकार तो बालू माफियाओं से सिस्टम लेकर सेट हो गए, लेकिन जब न्यूज बीके ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया तो एक बार फिर से पीड़ित महिला को जान माल की धमकी मिल रही है। घबराई महिला जब फिर से अधिकारियों के पास पहुंची तो उसे फिर से वहां से भगा दिया गया। इसके बाद गुरुवार को जनपद मुख्यालय पहुंची महिला कृषक ने एक खनन ठेकेदार के विरुद्ध निजी भूमि पर कब्जा कर अवैध बालू निकालने की शिकायत जिलाधिकारी से की है। तहसील सरीला के ग्राम रिरुआ बुजुर्ग थाना जलालपुर निवासी बेवा सुखदेवी केवट ने जिलाधिकारी को दिए शिकायत पत्र में बताया कि प्रार्थिया के पति की मृत्यु उपरांत मौजा रिरुआ बुजुर्ग दरिया स्थित खाता संख्या 54 उसे विरासत में प्राप्त हुई है, जो नदी किनारे होने पर महिला के पति सब्जी बागवानी कर अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। महिला ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद वो अपने खेत में गेहूं और चना आदि की फसल पैदा कर अपना भरण पोषण करती है, लेकिन उक्त भूमि पर दबंग बालू ठेकेदारों द्वारा जबरन तरीके से उसके खेत पर कब्जा कर बालू खनन किया जा रहा है। लेकिन जब शिकायत के बाद उक्त माफियाओं द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग कर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हालांकि ये महज आरोप नहीं है। इस खबर की पुष्टि करते हुए हमारे द्वारा ये वीडियो बनाए गए थे, जिसमें बालू माफिया साफ तौर पर खेत को खोखला करते हुए बालू निकाल रहे थे। अगर प्रशासनिक अधिकारियों को ये सब भी नजर नहीं आता तो यही समझा जा सकता है कि जिले के पुलिस और अधिकारी मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साफ सुथरी छवि को मिलकर धूमिल कर रहे हैं। क्या समस्या है आपकी? हमारे खेत से मोरम उठाए लिए जा रहे हैं ठेकेदार। कौन ठेकेदार है? कमल बिजनंदन, रामपुरा का रहने वाला निषाद। क्या मांग है आपकी? जबरदस्ती हमारे खेतों से मोरम उठा रहे हैं। हम रोकने जाते हैं तो धमकी भी देते हैं, कहते हैं जी कुछ दिखाए तो करो, जाओ अदालत में लड़ो। वो अदालत में जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। और वहाँ सरीला में तहसील में गए थे तो वहाँ दिए साहब को, एक बार दिया दोबारा गए तो उसने ललकार दिया, कहते क्यों आ जाती हो बार बार, अभी उस दिन दे के गई थी फिर आ गई। मैंने कि सर कोई सुनाई नहीं भाई, तो क्या करें हम मजदूर आदमी विधवा औरत, कुछ तो कर नहीं सकती है बस। हमीरपुर से वीरेंद्र वर्मा के साथ देवेश दिवाकर द्विवेदी की रिपोर्ट। संस्कार सेवा समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन है। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628।